नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। इस वक्त की खबर बड़ी खबर। बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया नहीं रहे। कोलकाता के एक अस्पताल में 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो गुरुवार से अस्पताल में भर्ती थे। 17 सितंबर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। भारतीय क्रिकेट गमगीन है। क्रिकेटर और क्रिकेट प्रशासक दोनों सदमे में हैं। भद्रजनों के खेल को बेशुमार दौलत वाले ग्लोबल स्पोर्ट्स में तब्दील करने वाले जगमोहन डालमिया नहीं रहे। कोलकाता के बीएम बिड़ला अस्पताल में रविवार शाम 75 साल के डालमिया ने आखिरी सांस ली। दिल का दौरा पड़ने के बाद वो गुरुवार से ही इस अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने तब दिल के दौरे की खबर से इनकार किया था। खबर है कि उसी रोज उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और इसके बाद वो दिल के दौरे से उबर रहे थे, लेकिन 3 रोज बाद ही क्रिकेट का ये कुशल प्रशासक बीमारियों से जूझता हुआ दुनिया को अलविदा कह गया। डालमिया के निधन की खबर आते ही शोक संदेश का तांता लग गया। जगमोहन डालमिया ने अभी 6 महीने पहले ही मार्च में दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। उन्होंने ऐसे वक्त में बोर्ड की कमान संभाली जब कथित सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग की वजह से बीसीसीआई की साख दांव पर थी और मुद्गल समिति की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एन श्रीनिवासन को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। 11 साल बाद बोर्ड अध्यक्ष के तौर पर उनकी वापसी हुई थी, लेकिन वो उम्र के जिस दौर में पहुंच चुके थे, साफ दिख रहा था कि उनके लिए इस जिम्मेदारी और दबाव को पार पाना मुश्किल हो रहा था। पिछले कई महीनों से वो बीसीसीआई की बैठकों और सक्रिय कामकाज से दूर थे। हमारी कल भी परसों भी उनके बेटे से बात हुई, उसने बताया कि बाबा की तबीयत ठीक है, काफी इम्प्रूवमेंट है, 1-2 दिन में घर चले जाएंगे और बहुत माइनर प्रॉब्लम है, माइल्ड प्रॉब्लम है, डॉक्टर कह रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन भी यही बोल रहा था, तो हम सब तो इसमें थे कि इसलिए मैंने कलकत्ता जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया, वरना उनको देखने जाने वाला था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पहुंच जाएंगे। तो वो समझा साधारण समस्या है और वो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन इतनी घातक होगी अंदाजा नहीं था कि अचानक हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। इससे तो बिल्कुल ही जो है भारतीय क्रिकेट को बहुत बड़ा जो है झटका लगा है। अगर 1983 में वर्ल्ड कप जीताकर कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व फलक पर सम्मान दिलाया, तो प्रशासक के रूप में ये जगमोहन डालमिया थे जिन्होंने अपने प्रयासों से बीसीसीआई को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्डों से भी ज्यादातर ताकतवर बना दिया। 1987 में पहली बार वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत लाने का श्रेय डालमिया को ही जाता है। डालमिया 2001 से 2004 तक भी बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। वो 1997 से 3 साल के लिए आईसीसी अध्यक्ष भी रहे। जगमोहन डालमिया के रूप में भारतीय क्रिकेट ने एक कुशल प्रशासक को खो दिया। भारतीय क्रिकेट हमेशा उनका ऋणी रहेगा। अलविदा जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया वो हस्ती रहे हैं जिसने पूरी तरह से क्रिकेट को आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि वो घर घर तक याद रखे जाएंगे। ये घटना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शोक की लहर पहुँचा चुकी है। बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया 17 सितंबर से कोलकाता के बीएम बिड़ला अस्पताल में भर्ती थे। डालमिया के निधन पर इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट को ही पहचान दिलाने वाले बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया अब नहीं रहे। उन्होंने बीएम बिड़ला रिसर्च सेंटर में अपनी अंतिम सांस ली। 9 बजे के आसपास उनके देहांत हो गया है। उनके कंटिन्यूअसली हार्ट में दर्द था। आज ही एक बार और ऑपरेशन कराया गया था। उन्हें देखने के लिए जगह जगह से लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनके साथ साथ कई मंत्री और क्रिकेट जगत के लोग जो कोलकाता में हैं वो आ रहे हैं। सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरा देश या यूं कहें पूरा विश्व, पूरा क्रिकेट जगत इस समय सदमे में है। एक ऐसी घटना घटी है, एक ऐसा
ये लगा है, दुख हो रहा है लोगों को, और साथ ही साथ लोग इस समय ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने क्रिकेट को अपनी पहचान बनाई दी थी और पहचान बनाने का मौका दिया था वो अब नहीं है। जगमोहन डालमिया को न ही सिर्फ क्रिकेट में फैसलों के लिए याद रखा जाएगा बल्कि क्रिकेट को उसकी पहचान दिलाने के लिए और खिलाड़ियों को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए भी याद रखा जाएगा। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता आज तक। कोलकाता के कारोबारी मारवाड़ी परिवार से जुड़े जगमोहन डालमिया खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे। एक अच्छे विकेटकीपर के तौर पर डालमिया ने कॉलेज टीम में पहचान भी बनाई, लेकिन कुदरत ने मानो उन्हें क्रिकेट प्रशासक बनाकर ही पैदा किया। उनके हाथ में भारतीय क्रिकेट टीम की कमान आई तो उन्होंने बीसीसीआई को दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में देखते देखते ही तब्दील कर दिया। एक लम्हा जिसने विश्व क्रिकेट में हिंदुस्तान को देखते ही देखते सुर्खियों के शिखर पर पहुंचा दिया। 1983 विश्व कप में टीम इंडिया को दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं से संपन्न टीमों के मुकाबले हर जरूरत से लैस करने की जिम्मेदारी पहली बार जगमोहन डालमिया के कंधों पर आई थी। यही वो दौर था जब देश तो कपिल देव की कप्तानी में मिली जबरदस्त सफलता के जश्न में झूम रहा था। जगमोहन डालमिया तब टीम की माली हालत को सुधारने, टीम इंडिया के भविष्य को संवारने की धुन में जुटे थे। एक क्रिकेट प्रशासक के तौर पर प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप ने उन्हें शानदार अनुभवों से लबरेज किया तो वर्ल्ड क्लास जरूरतों के मुताबिक टीम इंडिया का भविष्य संवारने का खाका भी डालमिया ने दिलो दिमाग में खींच लिया। क्रिकेट प्रसारण के जरिए आय जुटाने से लेकर विज्ञापनों से कमाई की शुरुआत उन्होंने ही की थी। कोलकाता के कारोबारी मारवाड़ी परिवार से जुड़े डालमिया 1979 में पहली बार भारतीय क्रिकेट के संचालन से जुड़े। उन्हें बीसीसीआई में जगह मिली और फिर उनके कारोबारी हुनर, धन जुटाने की महारत और खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं खड़ी करने की कसरत का हर कोई कायल हो गया। 1983 के विश्व कप में अनुभवों से डालमिया ने काफी कुछ सीखा और उसे भारतीय सरजमी पर भी लागू किया। यही वजह है कि विश्व क्रिकेट ने 1987 वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन क्रिकेट प्रशासक के रूप में जगमोहन डालमिया का जलवा देखा और इसी सफलता ने उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे ऊपरी पायदान पर पहुंचा दिया। वो 1996 में 3 साल के लिए निर्विरोध विश्व क्रिकेट संचालित करने वाली संस्था आईसीसी के अध्यक्ष भी चुने गए। 1996 में क्रिकेट विश्व कप को भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन पर फिर से लाने में उनका रोल सबसे अहम था। साल 2001 में वो बीसीसीआई के चेयरमैन बने तो साल 2004 तक इस पद पर बने रहे। 1990 में क्रिकेट प्रशासन की कमान अपने हाथ में लेने के बाद जब डालमिया ने जिम्मेदारी कंधों से छोड़ी तो बीसीसीआई दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में शुमार हो चुका था। हालांकि बाद में उनका कार्यकाल क्रिकेट की अंदरूनी राजनीति की वजह से विवादों में भी आया, लेकिन सबसे अलग उनका दिल हमेशा ही क्रिकेट की बेहतरी के लिए धड़कता रहा। यही वजह है कि जिस बीसीसीआई को उन्होंने अपनी जिंदगी देकर सींचा उसकी अगुवाई करते हुए ही उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। आज तक ब्यूरो।